अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद है कि सब लोग खैरियत होंगे। अभी मेरे ख्याल 11:15 है और अभी जैसा कि मैंने कहा था पिछले व्लॉग में कि रिबॉन की सर्विस कराएंगे फुल, तो गाड़ी अभी गर्म हो रही है। गर्म हो जाए तो जैसे तवा गर्म होता है फिर अंडा उसके अंदर डालते हैं ना, तो उसका भी यही सीन है। गाड़ी गर्म होगी फिर निकालूंगा और वहाँ पे सर्विस पे मिलते हैं फिर आपसे। मैं आ गया हूँ सर्विस स्टेशन पे और सबसे पहले लगेगी हवा और उसके बाद ये व्हील ढीले होंगे, फिर गाड़ी ऊपर होगी, व्हील खुलेंगे। व्हील इसलिए खुलेंगे क्योंकि नीचे से सफाई होगी। ये घर पे होती तो मैं इसको खुलवाता ही नहीं कभी भी गाड़ी को। गाड़ी अच्छी लग रही है मुझे पता है, माशाल्लाह से, माशाल्लाह कह देना ना। अभी छोटा कार और मैंने इसको 650 रुपये दिए फुल सर्विस के बंदे को, सही है 650 रुपये। उसके अलावा जो है छोटा कार शैम्पू और सर्फ आएगा। सर्फ जो है सर्फ इस्तेमाल हुआ टायरों में और क्या बोलते पायदान जो ये कालीन वाले और वो प्लास्टिक वाले जो पायदान है उसके लिए। ये गुटके लगाएंगे नीचे जिससे गाड़ी ऊपर होगी, फिर ऊपर नीचे से गाड़ी पूरी नीट एंड क्लीन कर देंगे। ये असल में चक्कर ये कि लड़कों को अलग से जो खर्ची मिलती है ना उसमें फिर ये काम अच्छा करते हैं। 650 रुपये मैंने इसको दिए हैं सर्विस के, फुल सर्विस के, और हाफ सर्विस के होते हैं। हाफ में व्हील नहीं खुलते और गाड़ी ऊपर नहीं उठाते, उठा भी देते कहीं 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 उठा नहीं उठाते। वो लड़का देख रहे ये कर क्या रहे हैं। खैर 650 रुपये सर्विस के, 200 रुपये ये मेरे से लेगा, 50 रुपये इसको चाहेंगे तो मैं अलग से दूंगा, माना 250, 650, 700, 800, 900 में गाड़ी तैयार। अंदर से अगर क्लीनिंग कराऊंगा सर्फ और पेट्रोल से तो ये तो देख रहे हैं। बता रहा है कि एंगल सही आ रहा है अब से, हाँ सही आ। अंदर से अगर मुझे क्लीनिंग करानी हो तो 200 रुपये लगेंगे। इंटीरियर में हवा लग चुकी है, ये जो आप खराब देख रहे हैं इसका मेरे पास बेहतरीन हल है। साफ करके इसके बाद 7CF पॉलिश लगाऊंगा मैं इस पे और इस पे, इसको मेरे ख्याल जरूरत नहीं है। ये भी साफ हो गया बिल्कुल, कालीन को उसने हवा मारी है, फिर भी टुकड़े टुकड़े रहते हैं, ये फिर से मारेगा। और जो सर्विस वाले है ना वो जो 650 में भी ऑयल लगा के देगा, लेकिन वो काला गाड़ी से निकला हुआ, मैं नहीं लगवाता, मैं 0 मीटर ऑयल लगवाऊंगा। मोबाइल की चार्जिंग हो रही है ख़त्म, क्योंकि सुबह उठा था ना मैं चार्जिंग पे मैंने लगाया और बटन ऑन ही नहीं किया। ये सब तो बातें होगी कि सर्विस करा रहे हैं तो कितना खर्चा आ रहा है क्या नहीं। अब आपको बताता हूँ उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। सर्विस का फ़ायदा ये कि नीचे से गाड़ी गलती नहीं है ज़्यादा, आजमाई हुई चीज़ है और खुश्क नहीं रहती गाड़ी, जब भी बात करता हूँ हवा वाला शुरू हो जाता है, सही है। और इसके नुकसान क्या है, नुकसान ये कि ऑयल जब लगाएंगे तो नुकसान ये है कि मिट्टी बहुत पकड़ेगी गाड़ी, नीचे से काली भी हो जाएगी। लोग ज़्यादातर काला ऑयल लगवाते हैं 100-200 के चक्कर में, बचाने के चक्कर में, तो ऐसा ना किया करें। और टिप्स ये सर्विस के टाइम पे कि गाड़ी पे ही रहें, जैसे मैं हूँ तो इधर उधर चल रहा हूँ तो उसको पता है इधर ही है। और ब्रेक्स जो है पूरी जितनी भी मतलब वो ब्रेक की डिस्क है उसको कभी भी ऑयल वॉयल नहीं लगवाए, ब्रेक में मसला हो जाता है, जब जाके खुशक हो फिर जाके ये काम होता है, ब्रेक लगती है वरना लगती नहीं। ये सीन, बाकी कोई ऐसा खास नुकसान नहीं है। रबड़ को कोई नुकसान नहीं पड़ता, कंपनी पागल नहीं है जो ऐसे ही रबड़ बना दे जिनको सोडा खा रहे डीजल लगे तो ख़राब होता है। पता नहीं कितनी गाड़ियों को लगा है, मेरे पास विट्स होती थी 6 महीने मैंने रखी थी, महीने महीने में सर्विस कराता था, कुछ नहीं हुआ उसको, माशाल्लाह से बिल्कुल ओके चल रही थी। ये ऑयल वॉयल नहीं लगवाता था मैं, ऑयल डीजल दोनों मिक्स करके लगवाता था। और हाँ ऑयल डीजल भी आते हैं, ऑयल डीजल जो है वो ये मुझे तकरीबन 100 रुपये का डीजल ठोकेगा और ऑयल मेरे ख्याल उसी में 200 में ही है, वो अलग लगाएगा। और अभी जो है वो सोडा खार का जो है ना अभी लगाएगा उसको। अंग्रेज़ों के पास इसकी भी मशीनें होती है, देखो हमारे पाकिस्तान में जुगाड़े हो, बोतल को उल्टा करो पाइप के ऊपर लगाओ हवा चल रही बाबा, अल बाबा क्या मुझे सर्विस हो रही है। आपने एक चीज़ नोट की होगी, इतनी देर से चाय नहीं आई है, अभी चाय पियेंगे, अभी मेरे पास अम्मी का मैसेज आएगा कि चाय पिएगा, मैं बोलूँगा हाँ, अम्मी बोलेगी पी के आता है फिर भी घर पे आके पीता है, अम्मी मोहब्बत है ना क्या करूँ, घर की चाय के बिना दिन ही नहीं चलता, अभी मैं इधर 2-10 चाय भी पी लूँगा फिर भी घर पे जाके पीऊँगा, लव यू अम्मी। फाइनल रिजल्ट चेक करें, गाड़ी चमक रही है नीचे से ना,
मोबाइल की बैटरी खत्म हो रही है, फिर घर पे मिलते हैं आपसे। लाइफ 13% बची मोबाइल की, गाड़ी हो गई है तैयार, आप देख सकते हैं बिल्कुल पप्पू। और अभी मैं आ गया हूँ घर पे, 600 रुपये सर्विस वाले को दिए थे और 400 रुपये जो आगा एक्स्ट्रा सामान और अंदर से भी क्लीनिंग कराई थी। तो अब जो है वो 7CF स्प्रे वो भी इसको मारूंगा मतलब मैं इसे ठा करके नहीं स्प्रे करूँगा डैशबोर्ड को। मैं जो इंटीरियर में लगाता हूँ वो ये 7CF और ये योंग योंग चिंग चोंग लिखा हुआ है भाई। ये अखबार जो है ना ये मैं रखता हूँ ऐसे शीशे पे ताकि शीशे पे स्प्रे ना जाए, क्योंकि स्प्रे जो है वो चिपचिपा होता है। सही है, अब स्प्रे पॉलिश जो भी। अब ये देखिए मैंने अखबार रख के आपको टेस्टिंग कराता हूँ कि आफ्टर और बिफोर है तो दोनों सही, लेकिन बिफोर आफ्टर देखे कैसा मज़ा कर रहा है। पूरा डैशबोर्ड से मैं कर दूंगा, VIP आगे तो कर दिया, बाकी ये पीछे जो डोर्स हैं वो रहते हैं अभी। कोई इसका नुकसान नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, बस कपड़ा हो वो आप इसको रोज़ मारें, मिट्टी विट्टी पकड़ेगा लेकिन 2-3 दफ़ा कपड़ा लगेगा तो ये जब कर लेगा ना ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी आपके सामने। अभी मैं करता हूँ, अब ये देखिए हल्का मारना भी हल्का है, ये देखिए कितना फ़र्क आ गया। अभी सही तरह से मारूंगा पूरे निशान निशान ख़त्म। पार्ट हो रहे हैं अभी रात के और थोड़ा सा ज़्यादा गेप हो गया ना, अभी कपड़ा वपड़ा साफ किया है, गाड़ी को लगाऊँ क्योंकि ब्लैक गाड़ी है। तो अभी जो है वो दावत में जा रहा हूँ, मैं मोहल्ले की दावत है अल रहमान गार्डन ही बैंकेट में, मैं और मेरे वाले साहब हैं। तो सीन ये ब्लैक गाड़ी है तो कपड़ा तो बनता है, बंदा कहीं निकले तो गाड़ी वैसे ही पप्पू है तो 100 रुपये समझ सकते हैं आप। कलर वाली गाड़ी वैसे मुझे पसंद होती है, पहले ब्लैक नहीं लेते थे लेकिन रिबोन की कंडीशन की वजह से मैं ब्लैक कलर भी कुर्बानी दे दी।